घर पे आ गए हैं और वहाँ पे हम लोग गए थे, पोस्टमार्टम हो गया उनका। और वो पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी घर पे भी आ गई है और सभी लोग वहाँ पे रुके हैं और हम लोग घर पे आए हैं। बच्चों को सेटल करके हम लोग सुबह फिर निकल जाएंगे भोर पे। जो भी चीज़ें रहेगा वो सब देखेंगे हम लोग, कैसे क्या होगा उनके और पिताजी को। दोस्त कमेंट कर रहा है सब लोग कि भाभी जी बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है, तो हम जरूर और बनाएंगे। सबसे पहले बताना चाहते हैं दोस्तों, उनके पिताजी का आप लोग जानते बहुत ज्यादा हैं, परेशान है बहुत पिताजी परेशान है। जैसे और क्या, बहुत रो रहे हैं दोस्तों। और सुबह दोस्तों आप लोग को क्या बताएं, हमारे हम सोए थे तभी हमारे बच्चे स्कूल चले गए थे। सुबह 6 बजे आ जाता है बस इन लोगों का, 6 बजे घर आ जाता है बस। हम सोए थे और हम लोग चाय भी ना कुछ नहीं, चाय पानी कुछ नहीं पिए थे। हम तो बेड से जैसे उतरे बस साड़ी चेंज किए दोस्तों। आप लोग तो जानते हैं हम बिना मुंह धुले, जैसे मेकअप किए रहते हैं तो बिना मुंह धुले ही हम सो जाते हैं, हमारा आदत है हम नहीं मुंह नहीं धुलते हैं तो ऐसे ही सो जाते हैं, हरदम सो जाते हैं। तो सुबह वीडियो में कमेंट भी आया था कि लिपस्टिक लगा के गई हैं दोस्तों, बड़ा तकलीफ हुआ है कमेंट देख करके। एक दो कमेंट आया था, ज्यादा नहीं, एक दो ये कमेंट जो आया था। लिपस्टिक लगाती है महंगा रहता है, छूटता नहीं जब है तक दोस्तों, साबुन से जल्दी बढ़िया जब से तक धुली, साबुन से नहीं धुलेंगे छूटेगा बढ़िया नहीं। से देखिए अभी भी लगा हुआ और है। दोस्तों सुबह से अभी को हम लोग घर आए, घड़ी का टाइम देखिए 9 बज रहा है, देखिए आप लोग 9 बज रहा है और हम लोग आए हैं अभी को घर, जस्ट आए हैं दोस्तों। अभी हम चल रहे हैं नहाएंगे क्योंकि दोस्तों हम 100 को छुए थे, लाश को छुए थे दोस्तों। मेरा कलेजा नहीं मान रहा था, उसका चेहरा हम नहीं देखे थे। और दोस्तों क्या हम बताएं आप लोग से, जब उसका लाश लदाने लगा ना तो हमारा कलेजा एकदम फट गया है। आज चल पाइए, हम चलने वाली आज पिकअप में लाद के गई है। और आप लोग को क्या बताएं, हम लोग जब उसके मायके वाले घर पे गए हैं तो लाश उसका ऐसे सुलाया गया था, सब लोग उसके लाश के पास बैठ के रो रहे थे लेकिन कोई लाश का चेहरा न, तब ऐसे खोला नहीं था, वो गट्ठर नहीं खोला था दोस्तों। मेरा मन नहीं माना, मैं ही जा करके गट्ठर खोली और खोल करके उसका चेहरा देखी दोस्तों। उसका ब्लड पूरे चेहरे पे ब्लड लगा था और यहाँ तक पूरा ये सब रुई से ये सब ढका हुआ था और फिर यहाँ सब मतलब पूरा बॉडी सील था। बस इतना दूर हम लोग, इतना दूर बस चेहरा हम लोग देख पाए हैं दोस्तों। हमारे बच्चे देख रहे हैं बहुत ध्यान से, तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों। आप लोग से बस यही कहना चाहते हैं दोस्तों, मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि दोस्तों आज अगर विष्णु राज सही होता तो आज उसके सपोर्ट में खड़ा रहता, उसका साथ देता, लेकिन दोस्तों आज विष्णु राज उसको मार दिया दोस्तों। आप लोग से हम कहते रह गए दोस्तों, बार बार यही लग रहा है ना कि जैसे उसका जब हम चेहरा देख रहे थे ना तो जैसे बार बार लग रहा था कि बोल रही दीदी हमके बचा ला, ये दीदी हमके बचा ला, यही बोलती थी दोस्तों। हरदम कहती थी दीदी हम मर जाए, ये दीदी हम मर जाए। और जब हम बाथरूम के लिए गए थे, उधर गए थे ना साइड में, तो उसकी एक चाची लगेंगी वो बोल रही है तू ही उनकर दीदी है, वो गोरखपुरिया भौजी कहने हाँ। कहती ए बहनी जब रतिया के लिए आके जात रहा तो कहा थी ये बड़की माई अब तो हम जात है मौलिम, फिर मतलब फिर यहाँ मतलब ना ही आए ये गांव में, अब ना ही आ पाई, हम जानते हमके लिए आके जाता हमके मुँह आई। परसों जब रात में जब लेके गया है तो अपने चाची से बोली थी, छोड़ दीजिए उसको जाने दीजिए, अपने चाची से वो बोली थी। और उसकी चाची ये बात कह कह के रो रही थी, ये बोल रही थी कि ये बहनी तुहना लोगन पर भरोसा बा, तुहना लोगन पर विश्वास भाई, सब गरीब बाना, पढ़ा लिखा ना बना, नहीं पढ़ बाना। और दोस्तों कहा ही बताएं आप लोग को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था करी तो क्या करे। और मतलब वहाँ पे इतनी पब्लिक हद से ज्यादा पब्लिक आ गई थी और हर वक्त मतलब हम लोग बैठे भी, आप लोग मानेंगे नहीं, हम वहाँ जा करके 12-1 बजे करीब में ब्रश किए हैं क्योंकि चाय पीना था हमें। तो मेरी महादेव जी बोले आपको दवा खाना, चलो चाय पी लो, तो मैं चाय पीने गई हूँ तो चाय नहीं पी, पहले लेके आए हैं ब्रश खरीद के, मैं ब्रश की हूँ चाय पी तब जाके दवाई खाई। और दोस्तों दवाई भी खाई तुरंत उल्टी हो गया क्योंकि खाली पेट सिर्फ चाय पी थी, तुरंत उल्टी हो गया। और दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है, तो दोस्तों बता देते हैं पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है फॉरेंसिक टीम जो होती है उसका जांच करती है, पड़ताल करती है और तुरंत नहीं मिलता है दोस्तों, 72 घंटे बाद या 24 घंटे बाद ही मिलता है। फॉरेंसिक लैब में उसका जाँच होगा अच्छी तरह से, अभी खाली पोस्टमार्टम हो गया लेकिन रिपोर्ट नहीं मिला है। और जब रिपोर्ट मिल जाएगा तो उसके हिसाब से पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। अब प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि मालती चौहान को आप लोग इंसाफ दिलवाइए सर, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। उस पिता, वो जो पिता है बहुत रो रहा है, देखो क्या कर रहा है।
चलिए दोस्तों।